और चलिए अब रुख करते हैं गाजियाबाद का, जहां पर 500 करोड़ के लोन घोटाला करने वाले लक्ष्य तंवर की 4 करोड़ के फ्लैटों पर आज पुलिस ने कुर्की की है। और ये फ्लैट वैशाली इलाके में थे। एक फ्लैट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी। पुलिस के मुताबिक अब से पहले 20 ऐसी बेनामी संपत्ति जिनकी कीमत 66 करोड़ रुपए है वो भी जब्त की जा चुकी है। वहीं पुलिस ने ऐलान करते हुए कहा कि लोग फ्लैट गिरोहबंद अधिनियम के तहत कुर्क कर लिए गए हैं। इनकी किसी भी तरह का निर्माण या बेचना खरीदना अब गैर कानूनी होगा। बता दें कि ये फ्लैट लक्ष्य तंवर गैंग के हैं, जिन्होंने पुलिस और नेताओं को चूना लगाकर बेनामी संपत्ति इकट्ठा की थी। पुलिस का दावा है कि अब तक लक्ष्य तंवर गैंग के 20 बेनामी संपत्ति जिनकी 67 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं वो इतनी कीमत थी। और लोन माफिया लक्ष्य तंवर ने करीब 500 करोड़ का घोटाला भी किया था। 12 लोग थे गैंग में, जिनमें से 10 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। अपराध और अपराधियों के विरुद्ध गाजियाबाद कमिश्नरेट द्वारा चलाए गए अभियान के तहत उत्तर प्रदेश गिरोहबंद अधिनियम के अंतर्गत लक्ष्य तंवर एवं 12 नफर जिनके विरुद्ध 2021 में थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, उसमें यह गैंगस्टर एक्ट के तहत अभी तक कमिश्नरेट पुलिस गाजियाबाद कमिश्नरेट पुलिस ने लगभग इसकी 66 करोड़ की संपत्ति, जिसमें लगभग 20 बेनामी संपत्तियां इसकी हैं जिनकी बाजार कीमत लगभग 66 करोड़ रुपया है, उनको सील किया गया है। उसी के अंतर्गत, उसी के क्रम में आज यहां हम लोग वैशाली के अंतर्गत इसके 2 फ्लैटों को सील किए हैं, जिनमें से हर एक फ्लैट की कीमत लगभग 2 करोड़ रुपये बताई जा रही है।